मित्र ने पूछा है, जो उमंग और अहोभाव और ऊर्जा होनी चाहिए वह थोड़ी देर को तो महसूस होती किंतु फिर खो जाती। मैं अपने आप से प्यार करना चाहती हूँ किंतु कोई विधि काम नहीं करती, मैं क्या करूँ? इस प्रश्न को जरा गंभीरता से समझना होगा। शायद आपने मनोविज्ञान का एक शब्द सुना हो जिसको वो कहते हैं फ्रॉड सिंड्रोम। ऐसा व्यक्ति अपने आप को हीनता की भावना से भर के देखता है, स्वयं के प्रति अपमान से भरा रहता है, भीतर एक गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध का एहसास होता है। इसी फ्रॉड सिंड्रोम को इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऐसा नहीं समझना कि एक मानसिक बीमारी है। बीमारी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी जनसंख्या इससे पीड़ित है, इसलिए एक सामान्य सी घटना है। जिस प्रकार की हमारी सभ्यता और शिक्षा विकसित हुई है और जिस प्रकार की शिक्षाएं धर्मों ने दी हैं, उन सबका दुष्परिणाम है हर व्यक्ति अपने आप को गिल्टी महसूस करता है, जैसे कि मैं कोई पापी हूं, मैंने कुछ गलत कर्म किए हैं। और ये फ्रॉड सिंड्रोम, इसका मतलब है उसे लगता है कि मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूं, मैं पाखंडी हूं, मैं कुछ और दिखा रहा हूं, भीतर कुछ और है। और यदि मुझे सम्मान मिलता है तो इसलिए मिल रहा है कि लोगों को मेरी असलियत नहीं पता, एक्चुअली मैं सम्मान पाने योग्य नहीं हूं। आपको जानकर हैरानी होगी, सामान्य औसत व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े सफलतम लोग, दुनिया के सुप्रसिद्ध हस्तियां, नोबल प्राइज विनर्स, बड़े साहित्यकार, बड़े वैज्ञानिक, बड़े अरबपति, कुशल अभिनेता, कुशल संगीतकार, प्रसिद्ध वक्ता, बड़े बड़े महात्मा, आदरणीय विद्वान लोग, त्यागी तपस्वी, पंडित पुरोहित, उनको भी अपने भीतर यही महसूस होता है कि हम गलत हैं और लोग हमें जो आदर दे रहे हैं हम उसके पात्र नहीं हैं, चाहे यह बात वे किसी से कहें या ना कहें। मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी खोजबीन करके पाया है करीब करीब 95% लोग इस फ्रॉड सिंड्रोम के शिकार हैं। उनको लगता है कि हमने दूसरों को कुछ झूठा अपना व्यक्तित्व दिखाया। अगर कोई पुरस्कार मिला तो उनको लगता है कि हम इसके योग्य ना थे, लेकिन हम धोखा देने में सफल हो गए। अगर कोई प्रेम करता है, आदर करता है, उन्हें लगता है कि नहीं, हम इस काबिल नहीं हैं, चाहे वो कहें चाहे ना कहें, चाह रहे हैं कि कोई प्रेम करे, भीतर से पता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं। बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाती है। इस स्थिति में क्या मुसीबत खड़ी होती है? अगर कोई व्यक्ति इनको प्रेम करता है तो इनको उस पर से, उसकी बुद्धिमत्ता पर से भरोसा खत्म हो जाता है, लगता है कि बेवकूफ है, ये मेरे को पहचान ही नहीं पाया। अगर प्रेम ना करे तो दुख मिलता है, और जो प्रेम करे उस पर विश्वास नहीं होता, भरोसा ही नहीं आता। अब समझ रहे हैं, चाहे उसे प्रेम मिले तो भी वो दुखी रहेगा, ना मिले तो भी दुखी रहेगा। उसे अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर श्रद्धा नहीं होती। यह कारण है तुम्हारे भीतर उमंग, उत्साह, ऊर्जा का उत्थान, आत्मश्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और इसलिए एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन भी नहीं हो पाता और सेल्फ हिप्नोसिस की प्रक्रिया में गहरे नहीं जा पाती। सावधान, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, वो इसका ठीक विपरीत है, दूसरी अति। ये अहंकार के दो रूप हैं। एक रूप यह है
कि मैं बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली, बहुत बुद्धिमान, बड़ा आत्मविश्वासी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, महानता की ग्रंथि, और इसका विपरीत है हीनता ग्रंथि, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है। ये अहंकार का शीर्षासन करता हुआ रूप है, हैं दोनों अहंकार। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे बदल के उसमें चले जाओ, कोई लाभ नहीं, वो अहंकार ही है। एक आदमी दो टांग पे खड़ा है कि सिर के बल खड़ा है, इससे क्या फर्क पड़ता है, आदमी तो वही का वही है, और सिर के बल कितनी देर खड़ा रहेगा, फिर टांग पे खड़ा हो जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं जो तथ्य है उसके प्रति सजग बनो, न सुपीरियर न इंफीरियर, तुम जैसे हो वैसे हो, किसी से तुलना ही क्यों करनी। प्रत्येक व्यक्ति अनूठा और अद्वितीय है, असाधारण है, एवरीवन इज यूनिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हाई शुड यू कंपेयर विथ एनीवन। तब तुम रिलैक्स होगे, ना तुम अपने आप को कम आंकोगे ना अपने आप को ज्यादा आंकोगे, जो तथ्य है सो है, उसे स्वीकार करोगे और विश्रामपूर्ण अवस्था, ये चित्त की निर्मल दशा, शांति उपलब्ध होगी। इस शांति में तुम्हारे भीतर से जो सहज रूप से आएगा वह सत्यम शिवम सुंदरम होगा। जब कोई व्यक्ति सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर के कुछ करता है वह गलत होता है, अथवा कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर के कुछ करता है वही भी गलत होता है। ना तो अपने आप ऊपर जबरदस्ती पाप का बोझ डालते रहो, खासकर ईसाई धर्म ने बड़ी गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध उत्पन्न किया है, जैसे हर व्यक्ति गलत है, तुम्हारा जन्म ही पाप में हुआ, शुरुआत ही गलत हुई, अब बाद में कहां से कुछ सही होगा, और तुम्हारा ही जन्म नहीं तुम्हारे पूर्वजों का भी। बाइबल कहती है कि अदम और ईव जो प्रथम पुरुष और महिला थे, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, महापाप, और उन्हें ईश्वर के खूबसूरत बगीचे से बाहर निष्कासित कर दिया गया, भयंकर दंड मिला, और तब से लेके आज तक उनकी संतान उस सजा को भुगत रही है। हमारे सारे दुख सारे कष्ट परमात्मा के द्वारा दी गई यातना है, सजा है। प्रथम मनुष्य के जोड़े ने जो गलती की थी, हद हो गई, कब किसने गलती की थी और कौन सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये कंडीशनिंग, ये संस्कार मन में इतने कूट कूट के भरा है। हमारे देश में कोई कहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतने कष्ट में क्यों हूं, मेरे ही ऊपर परेशानियां क्यों आ पड़ती हैं, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, तुरंत उसे समझाने वाले मिल जाएंगे, पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे गलत, एक जस्टिफिकेशन हो गया, क्योंकि वो कह रहा है इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो फिर ये कहां से आ रहा है। ले गए उसको पिछले जन्म पे, लाद दिया सब, ईसाइयों ने अच्छा किया, और पिछले के पिछले के पिछले जन्म ले जाके जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से शुरू कर दिया कि सब गलत वहीं से हो गया, परमात्मा की आज्ञा ना मानी, अब भुगतो। सावधान, इस प्रकार की निगेटिविटी से बचो। और ये बात इतनी कॉमन है, सामान्य रूप से सबके भीतर बैठी है कि हमें पता भी नहीं चलता हमारे जैसे अन्य लोग हैं। कोई बीमारी स्पष्ट रूप से तब पकड़ में आ जाती है जब किसी को हो, अधिकांश लोगों को ना हो, कभी कभार हो तो एकदम से एबनॉर्मलिटी पकड़ में आती है, लेकिन जो बात बहुत औसत सामान्य रूप से सबके भीतर समाई है उसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है कि कोई रोग है ये।
अपने भीतर टटोल के देखना, क्या आपको लगता है कि आप गलत हैं? जो आपको उपलब्ध हुआ है आप उसके योग्य नहीं थे? कि आप लोगों को धोखा देने में सफल हो गए? अगर इस ढंग से जियोगे तो फिर उमंग कहां से होगी, उत्साह कहां से होगा, अहोभाव भला कैसे होगा? एक बार मैं अपने कुछ मित्रों के संग शाम को पैदल चल रहा था, मेरे सामने करीब 200 फुट आगे चार पांच लोग और जा रहे थे। मैं अपने मित्रों से बातचीत कर रहा था इसी बात के बारे में कि अधिकांश लोग अपने आप को बहुत ही घटिया दर्जे का समझते हैं। मेरे मित्र मान नहीं रहे थे, वो नहीं कर ऐसे कैसे। मैंने कहा अच्छा चलो एक प्रयोग करते हैं, पांच आदमी सामने जा रहे हैं, मैं आवाज़ लगाता हूँ, देखना कौन रिस्पॉन्ड करता है। मैंने कहा अभी बेवकूफ मुड़ के देख, अब किसी का नाम तो लिया नहीं था, अब वो 200 फुट दूर हैं, इतने जोर से भी नहीं कहा था कि क्लियर सुनाई दे, पांचों ने मुड़ के देखा। और कुछ रुष्ट हो गए वो लोग, पांचों ने मुड़ के देखा, यानी तुम मानते ही हो कि तुम बेवकूफ हो। कोई अच्छी बात कह के पुकारे तुम एकदम शंका पैदा हो जाती है। मैं देखता हूं मजा जब मैं कहता हूं समाधि में लोगों से कि तुम ब्रह्म हो, उपनिषद का वाक्य तत्त्वमसि, लोग यहां वहां देखते किससे कह रहे हैं। मैं कहता हूं अरे शैतान की औलाद तुम ही से कह रहे हैं, तब उनको एकदम लगता कि हां हम ही को संबोधन किया जा रहा है। जब उनसे कहो कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, लगता कि नहीं कुछ बात जम नहीं रही, आपको हमारे बारे में शायद पता नहीं है। जो सच्चाई है उसको वैसा ही जानो पहचानो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा आंकना। जो तुम्हारी प्रतिभा है तो है, और जो नहीं है तो नहीं है, दोनों बातों को जानो और किसी अन्य से तुलना मत करना। वो अन्य व्यक्ति अन्य है, तुम हो, उसके अपने गुण होंगे, अपनी क्वालिटीज होंगी, तुम्हारी अपनी क्वालिटीज हैं। कोई दो व्यक्ति आज तक एक से कभी हुए नहीं और न भविष्य में होंगे, अपने होने का मजा लो। जब इस भांति से जीना शुरू करोगे तो तुम्हारे भीतर बहुत उमंग और उत्साह और जीवन ऊर्जा का उत्थान और अहोभाव उत्पन्न होगा। अपने होने के प्रति धन्यवाद कि अस्तित्व ने हमें ऐसा बनाया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा उसकी। अपने होने का आनंद लो, थोड़ी अपने गेस्टाल्ट को, नजरिया को चेंज करो।